हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे पेज पे वेलकम है। मैं इसमें देखूंगी कलेक्टिव रीडिंग में कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। कीप इन माइंड, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जजमेंट, हेरोफेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस। यहाँ पे मुझे दो सिनेरियो नजर आ रहे हैं आपके पर्सन जो आपसे कहना चाहते हैं। एक तो ये है कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था। ये आपको छोड़ के चले गए थे, आगे बढ़ गए थे अपनी लाइफ से। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स जो है किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इनकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर आप लोग इस डेट को मिले हों, कुछ ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो मैन एनर्जी है वो यही है कि आपके पर्सन जो हैं, जिनके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया था, जिनके पर्सन की शादी हो गई थी कहीं और, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इंसान जो है आपके साथ दोबारा से जजमेंट चाहता है। यानी कि दोबारा से इसको यूनिवर्स आपकी तरफ पुश कर रहा है कि आप और आपके और इसके बीच में एक न्यू बिगिनिंग हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो। हो सकता है आप दोनों के बीच में कल्चर कास्ट डिफरेंट हो, हेरोफेंट से टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। हो सकता है इनकी कास्ट आपके कास्ट से डिफरेंट हो, डिफरेंट बैकग्राउंड हो आप दोनों का, लेकिन ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं कि जिसकी शादी हो गई है और आप जानना चाहते हैं क्या ये स्टिल अभी भी आप पे इंटरेस्टेड है, तो जी हाँ, ये 100% आप में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो है ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि जिस सिचुएशन में ये हैंगे आपके पर्सन, स्पेशली मेल, ये उनको भी नहीं छोड़ना चाहते और ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। अगर आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान आपसे मूव ऑन हो गया है, नहीं, इस इंसान ने आपको छोड़ तो दिया था, लेकिन वो छोड़ना सिर्फ इसका ये था कि आपको दिखाना कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। तो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि इनको एक सेकेंड चांस चाहिए आपके साथ, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, कुछ आपके इनके बीच में कुछ गलत फहमियाँ थी या कुछ गलतियाँ थी इनकी, ये उसकी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ये आपको बाहर जाने का पूछें आपके साथ, आपको कोई गिफ्ट दे के आपसे कोई सॉरी करें आपसे, ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है। ये इंसान दुनिया से दूर लेके आपको चले जाना चाहता है। मुझे लगता है कि मेरे जो यहाँ व्यूवर्स हैं, 50% या 70% व्यूवर्स जो हैं वो मैरिड हैं समवन एल्स। मुझे ये एनर्जी पिक हुई है यहाँ पर कि आप भी कहीं और मैरिड हैं, आपके पर्सन भी कहीं और मैरिड हैं। अगर आपके किसी और के साथ बच्चे हैं तो ये इंसान उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान काम वाटर की तरफ जाना चाहता है। इस इंसान ने पास्ट में आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये इंसान मूव ऑन हो नहीं पाए। ये इंसान चाहते हैं, देखें जो यहाँ पर जो फीमेल ऑलरेडी किसी और के साथ इंटरेस्टेड है, ये इंसान चाहते हैं कि पहले आप वहाँ से जो है ना डिवोर्स लें। ठीक है, इनका जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि पहले ये आप एक तरफ से अपना मसला हल करें और ये इंसान के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि ये इंसान आपके साथ इस सिस्टम में वर्क करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दुनिया के सामने, और आप अपने और आपके इस रिश्ते को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहता है। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक पहले नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा गिवर था, कोई बहुत ज़्यादा टेकर था। तो यहाँ पे अब ये इंसान जो है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, जब आपके पर्सन एरिस ही हो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, सॉरी एरिस नहीं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन। स्पेशली टॉरस यहाँ पे काफ़ी काफ़ी हैवी आया है, और ये इंसान किसी अच्छी फैमिली से नज़र आ रहा है। ये टॉरस पीपल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होते हैं। मैं खुद टॉरस हूँ, इन्हें लग्जरी लाइफ पसंद होती है, और मुझे आपके पर्सन की लाइफ भी यहाँ पे लग्जरी नज़र आ रही है। ये इंसान, मुझे लगता है कि इनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। पहले ये चाहते हैं कि आप एक तरफ से अपने मामलात हल करें, तभी ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, ये आपसे ये कहना चाहते हैं या चाहती हैं।
और अगर मेल किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप उनके, अगर वो मैरिड हैं कहीं और, तो आप उनके बच्चों को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो उनको, बस वो आपको चाहिए हर हाल में। आप उनसे सेकंड चांस चाहते हैं और वो आपसे सेकंड चांस चाहती हैं या चाहते हैं, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यही कहना चाहते हैं कि ये इंसान माफ़ी भी मांगेंगे करें, उन्होंने गलत किया है, आपको जस्टिस देंगे, इस आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क करेंगे, कमिटमेंट देंगे, आपको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, आपके और अपने रिश्ते को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करेंगे। एक कार्ड और, तो ये कार्ड नहीं दिखा सकती मैं आपको, लवर्स का कार्ड निकल के आया है। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस है, ठीक है, तो ये इंसान की जो बेस्ट चॉइस है वो आप हैं। चॉइसेस यही है कि ये इंसान मुझे कहीं और कमिटमेंट पे नज़र आ रहा है, ये इंसान उसको भी, अगर मेल है तो उसको भी नहीं छोड़ेगा ये, और अगर फीमेल है तो डेफिनेटली ये वहाँ से अपना सब कुछ ख़त्म करके आपको अप्रोच करेंगी, और आप भी यही चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल अगेन, टॉरस, ओ माई गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये लोग डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये देखें आप, डिवाइन काउंटर पार्ट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, हाईली हाईली ग्राउंडिंग एनर्जी है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लग्जरी लाइफ, सब कुछ है। अभी आप इस इंसान के लिए फॉरबिडन फ्रूट्स है, यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं कि ये इंसान, शादी है यहाँ पे, जस्टिस, हेरोफेंट, कपल, यहाँ पे मैं शादी देख रही हूँ आपके पर्सन के साथ आपकी, ये इंसान यही चाहते हैं आपके साथ। क्लॉक, नीड टाइम, टेक टाइम, इन टाइम साइकिल, टाइम टू हील, प्रोग्रेस। तो ये इंसान, मैंने कहा ना, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, क्यूपिड है, तो इस इंसान का निशाना आप पे ही है फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, मीटिंग, हेजिटेशन। तो इनको लगता है कि ये इंसान, शायद आप इस इंसान से मिलने में थोड़े से हेजिटेंट हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग फॉर यू, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। अभी श्योरिटी नहीं है, इनको लगता है कि ये पर्सन अब आपके लिए गुड इनफ नहीं रहे हैं। रिलेशनशिप में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जेलिसी भी देख रही हूँ मैं, फेयर भी देख रही हूँ। इंसान अगर, इनको लगता है अगर आप, जैसे कि आप मैन हो या फीमेल, इनको लगता है आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, और इस चीज़ की जेलिसी है इस इंसान को, और ये नहीं चाहते कि किसी के साथ आपको देखना, या आपको किसी के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये इंसान देखना ही नहीं चाहते किसी के साथ। तो ये थी आप लोगों की एक रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता है, बाय।